दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हम हैं चाचा चौक के पास पर्वतिया कॉलोनी में और यहां पर जायसवाल लाइट हाउस है और इसमें एक चोर ने चोरी कर ली और सीसीटीवी में कैद हो गया। गल्ला खोला, पैसे चुरा लिए। उसको पता नहीं था शायद कि सीसीटीवी लगा हुआ है और ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाएगी। तो आइए हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं और उसके बाद जो ओनर है दुकान को उनसे बातचीत भी करेंगे। कैमरामैन ये देखिए, दिखा दो ये फुटेज आप दिखाइए। ये देखिए किस तरह से एक चोर चोरी कर रहा है। ये देखिए ये चोर है, चोरी कर रहा है। ये देखिए गल्ला खोलेगा। ये देखिए गल्ला खोल लिया इसने, गल्ला खोल लिया। देखिए पैसे चुरा रहा है। ये देखिए गल्ला खोल लिया है, देखिए कैसे पैसे चुराएगा। आपके सामने लाइव है ये चोर, पास का ही बताया जा रहा है। देखिए अब गल्ला खोल लिया है, रैक हटा ली है, पैसे चुरा रहा है। ये देखिए एक कुत्ता भी भौंक रहा है, शायद इसको चोरी करते वो महसूस कर रहा होगा कि कुत्तों को पता चल जाता है कि कौन चोर है। ये भाग रहा है, देखिए ये भाग रहा है। तो देखा आपने, हमने सीसीटीवी वीडियो दिखा दिया चोरी करते हुए। अभी दुकान के ओनर हैं सर, आइए सर इधर बाहर आ जाइए नीचे। हाँ बस हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष कुमार जायसवाल नाम है। अच्छा, आपकी दुकान है ये? हाँ मेरी दुकान है। चोरी यहीं से हुई थी? चोरी यहीं से हुई थी। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। ये परसों रात के 9 बजे की बात है, लाइट गई और वो चोर अंदर आके और पैसे निकाल के जैसे ही भागा तो मेरी वाइफ ने देख लिया भागते उसे, तो मेरे से बोली, मैं तुरंत बाइक उठा के उसके पीछे लगा। पीछे लगा तो एक लड़का दिखा जो नीली टी शर्ट में था, ब्लैक पैंट में था। तो मेरे को डाउट हुआ शायद यही है, फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए आके पहले कैमरा देखा। जब पीछे आ जाइए, कैमरामैन को दिक्कत हो रही थोड़ा सा। जब मैं कैमरा देखा इधर आ जाओ कैमरामैन, थोड़ा दिमाग से काम। जब मैं कैमरा देखा तो लड़का पहचान में आ गया कि हाँ यही लड़का है। फिर मैं उसे पकड़ लिया, पकड़े तो 3-4 लड़के और दारू पी रहे थे वहीं बैठ के, उन्होंने फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो फिर वो मेरे से छूट के चला गया। फिर पकड़ लिया था? हाँ, हमने उसे पकड़ लिया था। उसके बाद उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी तो फिर मेरे हाथ से छूट के चला गया, भग गया वो। उसके बाद 112 पे कॉल किया, पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद पुलिस ने बोला कि चोर तो अब चला गया यहाँ से, आप चौकी में जाके रिपोर्ट करवा दो। मैं चौकी में जाके रिपोर्ट करवाया। पुलिस वालों ने बोला कल मैं आपको बुलाता हूँ या रात में ही फोन करता हूँ। ना उनका रात में फोन आया और ना कल फोन आया। ठीक है, सुना यहाँ पर और भी चोरियाँ, और भी डेली चोरी, यानी कि पर डे की चोरी हो रही है यहाँ पे। अभी 1 तारीख को तो आपने पकड़ के पुलिस में नहीं दिया था, भग गया? नहीं, वो भग गया था। फिर मैं चौकी में रिपोर्ट करवाया बकायदा उसके नाम के साथ। नाम क्या है? नाम उसका सचिन कुमार है। नाम रहता है ये पीछे अटल चौक की तरफ है गली, उनमें रहता है वो। अच्छा, ठीक है, सुना है। हाँ, परिवार वाले आपको धमका रहे? परिवार वाले आके 2 दिन आके तो मेरे को धमकी दे रहे हैं कि तुम केस मत करो, केस करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने साफ कहते तुम्हें जो करना है करो और जो कानून करना हो कानून करेगा। मैं कानून को एप्लीकेशन दे दिया हूँ। और अगर चौकी पड़ती है ये पर्वतिया चौकी पड़ती है, अगर कानून कार्रवाई नहीं करती है तो फिर मैं इसके लिए आगे कोर्ट तक भी जाऊँगा। आप देख रहे हैं चोर को पकड़ने का प्रयास करते हैं, भाग जाते हैं, उसको पहचान लेते हैं, नाम पता एड्रेस पुलिस को दे देते हैं, लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। इनका कहना है कि परिवार वाले इन्हीं को धमका रहे हैं कि केस मत करो, केस वापस ले लो। लेकिन अगर लोग इसी तरह से केस नहीं करेंगे तो चोरों की आदतें बिगड़ती जाएंगी और चोरियां करते ही रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी सिस्टर के घर से 30,000 रुपये चोरी हो गया। चोर ताला तोड़ के दिन में 4 बजे होता है ये, आजकल रात में भी नहीं दिन में चोरी कर, इतनी हिम्मत बढ़ गई उनकी। इतनी हिम्मत उनको क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ये तो प्रशासन जानेगा। और ये लगा लो कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बाइक चोरी हुई बगल से, ये शमशाद भाई हैं, आ रहे हैं अभी, ये हमारे पड़ोसी हैं। बाइक चोरी हुई, साफ साफ कैमरे में दिख रहा है 2 लड़का जाते हुए यहाँ से। बाइक चोरी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। एक तारीख मिली कि नहीं? नहीं मिली, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कैमरा लगा है, कैमरे में दिख रहे हैं चोर, फिर भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। अब ये कानून व्यवस्था कैसा है आप समझ सकते हो। उनके घर वाले यहाँ के धमकी भी दे रहे हैं, रात को रात में भी धमकी दे रहे हैं। उनकी माँ आ रही है, जो केस मत करो, केस करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। मैं कोई बात नहीं, कर दो जो तुम्हें करना है भाई, हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे जो बनता है। क्यों, हमारी दुकान से चोरी हुई है और जो सच्चाई है, 4-5 हज़ार रुपये रखा था इसमें पूरे दिन की सेल, वो चुरा के ले गया वो लड़का, और हमने उसे पकड़ भी लिया, सारा सबूत है मेरे पास। उसके बाद भी शिकायत दी है, जरूर पकड़ा जाएगा। अभी पुलिस को जो आला अधिकारियों को पता चलेगा, जरूर चौकी में फोन किया जाएगा और उनको कहा जाएगा आप कार्रवाई कीजिए, इस तरह से चोरों को मत छोड़िए। इसके घर में चोरी हुई थी, लड़का आ रहा है, अभी आ जाओ।
ये बताएगा कैसे चोरी हुई थी। ये आजा बताइए, इधर आजा पीछे। हाँ भैया, क्या चोरी हो गया आपका? पैसे चोरी हो गए घर से। पैसे कब? अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो मिले कि नहीं? नहीं, पुलिस ने शिकायत दी। करा तो वो आधे घंटे बाद आए, फिर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। आपके भी कैमरा वगैरह लगा है? कैमरा लगा, कैमरे में देख रहे हैं, दो बंदे गेट पर आके पीछे घूम रहे हैं। हाँ। अनजाने बंदे, जान पहचाने है नहीं वो भी। उसके कैमरे में देख भी रहे हैं फिर भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया आपने बताया। इसी तरह से बताते रहिए ताकि सरकार को पता चले कि चोरियां बढ़ती जा रही है। इस एरिया में पर डे कोई ना कोई चोरी हो रही है। पहले इतनी चोरी कभी नहीं होती थी जितनी। बाइक डेली बाइक उठ जा रही, कहीं से बाइक कोई उठा के ले जा रहा, कभी ताला टूट रहा, कभी कुछ हो रहा। लोग इतने परेशान है, चोरों में डर नहीं है पुलिस का, उनको लगता है आराम से चोरी करेंगे। बिल्कुल डर नहीं है, अगर डर उनके अंदर होता तो वो एक सुई भी ना उठा सके। बाइक की तो बड़ी बात है। चलो जी देखते हैं, पर्वतिया कॉलोनी नजदीक चाचा चौक और मकान नंबर 701 है, संजय इनक्लेव, 22 फुट रोड नियर चाचा चौक, NIT फरीदाबाद। पूरा एड्रेस यहाँ का है और पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी पड़ती है। पुलिस ने अभी तक चोर को पकड़ा नहीं, इनका कहना है फटाफट पकड़ो, कार्रवाई करो। मैं कानून से यही दरखास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ के उसको सजा दें, ठीक है, और आगे से ऐसा कभी ना हो ताकि हम लोग सुख चैन से रह सके। क्योंकि इस तरह का चोरी होगा तो हमारे अंदर डर बैठा रहेगा, हम कहीं जा नहीं सकते। भैया ताला बंद कर, ताला बंद रहेगा तो तोड़ के वो घुस के चोरी कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग सतर्क होकर रह रहे हैं ताकि हमारे साथ ऐसा हादसा ना हो और कानून ऐसी व्यवस्था बनाए जिसकी वजह से आगे चल के किसी घर में कोई चोरी ना हो। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद आपका बताने के लिए। हमने रिपोर्ट दिखा दी, CCTV भी दिखा दिया, चोर की तस्वीर भी दिखा दी। देखते हैं पुलिस पकड़ती है या मामले में ढिलाई बढ़ती जाएगी आगे भी। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।